गौरी कैसी है बेटा तू? पापा प्लीज मुझे चाची के पास ले चलिए, मुझे अपने घर जाना है। बेटा ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हारे पापा के घर में हो तुम। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या मतलब क्या तुम्हारा? हाँ मोक्ष, उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं चाहता हूँ आने वाली अमावस्या वंश की जिंदगी का आखिरी दिन हो। ऐसे मत कहिए पापा। शायद तुम वैष्णवी हो। आप? मैं यश, इस घर का बड़ा बेटा। कौन है वैष्णवी? कितना इंतजार करवाया अपनी मां को, रुकिए मां। बेहतर होगा कि आप इस घर की दहलीज को ना लांघें, कहीं ऐसा ना हो कि भावनाओं के ज्वार में बहकर आप रिश्तों की उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जाएं, जो स्वयं आपके पति देव ने बनाई है। मैं तो अपने पति के बनाए गए लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो उस रेखा को पार करके अपनी माँ तक आ सकते हो। सॉरी माँ, मेरी मजबूरी को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करो। मैं ना तो यहाँ पर मर्यादा की कोई रेखा लांघने आया हूं, और ना ही टूटे रिश्ते जोड़ने के लिए। मैं तो यहाँ बस वैष्णवी को ले जाने के लिए आया हूं। अरे भाई, आपने मुझे बुलाया? हाँ वंश, वो मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम था, कुछ बात करनी है तुझसे। वो तो ठीक है भाई, क्या ये बात हम बाद में कर सकते हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ वैष्णवी के लिए कुछ ज्वेलरीज और साड़ी पसंद कर रही है, मुझे भी वैष्णवी के लिए कुछ पसंद करना था। पता है वंश, यकीन नहीं होता कि तू इतना बदल गया। सच भाई, मैं बदल गया हूँ। मेरे एक फैसले ने मुझे बदल के रख दिया। अब जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी है भाई।
अरे भाई ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, अब तेरी इस नई खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत के लिए एक जश्न है, उसका इंतजाम है छोटा मोटा, इसलिए आज हम दोनों भाई एक साथ मिलकर बैठकर जश्न मनाएंगे शानदार सा। थैंक यू भाई। भाई लेकिन मैंने पीना छोड़ दिया है। अरे पगले, ये कोई पीना पाना थोड़ी है, हम कोई भेबड़े थोड़ी है। अरे ये तो बस एक एक जाम और बस जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना। क्या है कि एक एक जाम लेंगे तो जिंदगी थोड़ी हसीन नजर आए। क्या कहता है बता? ओ भाई मैं सोच रहा हूं। अरे प्लीज वंश यार, मना मत करना, मेरे लिए बस एक जाम की बात है। अरे पगले इतना सोच मत यार, अब नई हसीन जिंदगी की शुरुआत के लिए। ठीक है भाई, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आपके लिए एक जाम तो पी लूं। गुड, दैट्स लाइक माय ब्रदर। ये हुई ना बात। Cheers, bro. Cheers. ये जाम तेरी इस हसीन जिंदगी की शुरुआत के नाम। तूने मेरे साथ जश्न मनाने का फैसला करके बहुत बुरा किया वंश, क्योंकि आज का ये जश्न तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। ऐसी बातें करते हो, तुम्हारे पापा जी को पता उसे मेरा पिता मत कहो। और वैसे भी मैं यहां मिस्टर शील कुमार की बहू को नहीं बल्कि अपनी बेटी की वैष्णवी चाची को लेने के लिए आया हूं। वो इससे मिलना चाहती है, इसलिए आपको जिसे भी जाकर इन्फॉर्म करना हो कर दीजिए। चलो। नहीं यश, तुम इसे इस तरह से नहीं ले जा सकते, मत जाओ। मैं कुछ नहीं सुनूंगा बात। चलो। मेरी बात कर, सुनो बेटा, बेटा, मेरी बात मानो बेटा, मत जाओ बेटा। पंच कहाँ है? एक भी नहीं भाई। अरे वंश लेना यार, बस एक जाम। मैं हूं ना भाई, पीने का उसूल है पीते वक्त सोचने का नहीं। पी, पी। लास्ट, लास्ट। अरे वंश बड़ा भाई हूं, जरा बोल रहा हूँ, पी बस, भूल जा सब कुछ, पी ले, भूल जा सब लास्ट। अरे भूल जा। Thank you.
जरूर आऊंगी। मुझे वो सब सामान लाकर दोगे जो वंश को उसकी मौत के अंदर लेकर मुझे दबो देगा। वंश का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, उसके बाद नाखून, और हाँ, उसका थोड़ा खून। वंश की मौत निश्चित निश्चित। मोक्ष भैया, एक्चुअली हमने जब से वंश और वैष्णवी की शादी के बारे में सुना है ना, तब से बहुत परेशान हैं। हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें। अरे संयुक्ता भाभी, इस समस्या से मैं खुद निपट लूंगा, आप इसकी चिंता ना करें तो बेहतर होगा। फिलहाल आप अपनी अपनी उस सहेली संस्थान का ख्याल रखें। ओके? मोक्ष कह रहा है कि वो अकेले ही समस्या को संभाल ले। चलो अच्छा ही है, अगर मोक्ष अपनी मुसीबत से अकेले निपटना चाहता है तो उसकी मर्जी, लेकिन तब तक हम अपनी आखिरी चाल चलकर बाजी अपने नाम कर लेते हैं, क्या ख्याल है? वो वैष्णवी यहां ना आ जाए। जय माता दी, जय मेरी माता। बोलो मेरे बच्चे। पापा जी, बहुत बड़ा गजब हो गया पापा जी, सहेली संस्थान में आग लग गई। सहेली संस्थान में आग लग गई? हाँ पापा जी। कैसे? सारा सहेली संस्थान मेरी आंखों के सामने धू धू करके जल रहा है पापा जी। पापा जी, स्टोर रूम, ऑफिस, सब कुछ जल गया पापा जी, कोई कोना नहीं बचा पापा जी, यहाँ तक के सारे रिपोर्ट, सारे कागजात, सब कुछ जलकर राख हो गया। गौतम, किसने की ये नीच हरकत? गौतम, तुम बोलते क्यों नहीं, जवाब तो दो। किसी ने नहीं पापा जी, ये तो सिर्फ एक हादसा है। आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा नहीं है पापा जी। आप चाहे तो जांच पड़ताल करवा लीजिए। गौतम, मैं अभी मोक्ष को वहां पर भेजता हूँ। तुम वहीं बाहर निकल के वहां इंतजार करना, मैं मोक्ष को अभी भेजता हूँ, ठीक है? और वहीं रहना, बस माता रानी का नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। जय माता दी। मोक्ष, क्या बच्चे? पापा जी, मैं ढूंढती हूँ उनको भी। देखो जरा, देखो जी। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष,
वंश भैया दरवाजा खोलिए। वंश भैया आपको पता है मोक्ष कहाँ है? गौरी बेटा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम जब से यहाँ पर आई हो तुमने कुछ खाया नहीं। गौरी ये बहुत गलत बात है ना? सॉरी चाची, अगर मैं खाना खा लेती तो पापा आपको यहाँ पे कभी नहीं लाते और मैं भी आपसे कभी नहीं मिल पाती। बेटा कोई ऐसा करता है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आप ही ना चाची, मुझे कैसे कुछ हो सकता था? मुझे मालूम था मुझे कुछ होता उससे पहले आप मेरे पास आ जाती। चलो अब जल्दी से ये पियो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने तो जैसे गौरी पर जादू कर दिया है। यश भैया इस जादू को प्यार कहते हैं। माफ कीजिएगा लेकिन भैया किसी पर गुस्सा होना उस पर नाराज होना बहुत आसान होता है लेकिन किसी की कमियों के बावजूद उसे प्यार करना उसे माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। बस अब तो यही उम्मीद है कि वैष्णवी जल्दी वापस घर आ जाए और किसी को कुछ पता ही ना चले। कहीं शील जी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मोक्ष, अंबिका मोक्ष को कहीं देखा तुमने? जी नहीं। कहीं बाहर तो नहीं गया? नहीं, मैंने तो उसे घर से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। शायद ऊपर कहीं होगा। वंश भैया दरवाजा खोलिए। कमाल है, वंश भैया कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? शायद सो रहे होंगे। आज तो मेरा काम हो गया था। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सहेली संस्थान में आग लग गई, इसलिए मैं मोक्ष को ढूंढ रहा हूं। वो एक ऐसा शख्स है जो वहां जाके हालात को नियंत्रण में ला सकता है। इस हादसे के बारे में आपको किसने बताया? गौतम ने बताया, वो संयुक्त भी वही है। फिर आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है शिल जी?
ऐसे क्या देख रहे हैं शील जी? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि वही आग खतरनाक होती है जो अपने आप लगती है? जिसे जानबूझकर लगाया जाता है, उसे बुझाया भी जा सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात का मतलब तो आप जानते हैं शील जी। अब तो सिर्फ आपको तय करना है कि आप ये मतलब समझना चाहते हैं या समझ के भी ना समझ बने रहना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बार बार फोन करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? कर रहे हैं आप अंदर? सब कुछ ठीक तो है ना मोक्ष? हेलो मोक्ष, तुम आप चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने इस मकसद को अंजाम देकर रहूंगा। मैं लेता हूं वैष्णवी, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक बात का ध्यान अच्छी तरह से रखना, भूले से भी मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत करना। उन पर मरहम लगाने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी है। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी अर्पिता के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके अतीत में झांकने की कोशिश मत करो। माफ कीजिएगा भैया, मैं आपके पत्नी के बारे में नहीं बल्कि गौरी की मम्मी के बारे में पता लगाना चाहती हूँ, क्योंकि भैया मैं गौरी का मासूम बचपन इन सवालों के बोझ के तले घुटने में नहीं देख सकती। मैंने जो वादा उससे किया है मैं उसे निभा कर ही रहूंगी। लेकिन भैया, अर्पिता भाभी की गुमशुदगी और सहेली संस्थान के बीच का राज जानकर ही रहूंगी। बस अंबिका, बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उस सहेली संस्थान में तलाशी हो, तहकीकात हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस मोक्ष वंश भैया के कमरे में मैंने दरवाजा खटखटाया, ना ही वो कोई जवाब दे रहे और ना ही कोई दरवाजा खोल रहे। मैंने उन्हें फोन भी लगाया तो उन्होंने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। पापा जी प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने अंदर क्या हो रहा है। हाँ, आओ बच्चे। चलिए पापा जी। तमाशा है मोक्ष, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? एक्चुअली बड़े पापा, मैं और वंश उसकी होने वाली शादी की खुशियां मना रहे थे, तो जोश में वो वंश है ना, वो अपने होश को बैठा, थोड़ी सी ज्यादा हो गई। सॉरी बड़े पापा, मैं जानता हूं हमारे घर में पीने की अनुमति नहीं है, और फिर भी हम दोनों ने पी। लेकिन यकीन मानिए, हमारा इरादा इस घर के नियमों को तोड़ने का नहीं था, ना ही आपका अपमान करने का था। हम तो बस यहीं थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, एंजॉय करना चाह रहे थे, दैट्स इट।
मेरा घर माता रानी का मंदिर है। सारी दुनिया को ये बात भली भांति पता है। अगर ये बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची तो आज अपने जहन में डाल लो। शर्मानी चाहिए तुम्हें, बड़े हो इस घर के। ये तो माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि इस बच्चे ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। वरना खुशियां मनाने का तुम्हारा ये अनोखा ढंग तो मुझे पता ही नहीं चलता। सॉरी बड़े पापा, आप तो जो भी कहते हैं अपने हिसाब से ठीक ही कहते हैं। आज भी ठीक ही कहा होगा। और वैसे अंदर जो भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। आगे से ऐसा नहीं होगा। वैष्णवी कहाँ है? बड़ी देर से वो नजर नहीं आ रही। तुम्हारा काम हो गया नताशा। वंश की मौत का सामान मेरे कब्जे में है। थैंक्स मोक्ष, मैं जानती थी तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब रहोगे। मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा नताशा, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अब पता चलेगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारी उम्मीदों की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। अब यह भी पता चलेगा कि उनकी शक्तियां क्या करामात दिखाती हैं। मुझे अपने पापा और उनकी तांत्रिक शक्तियों पर पूरा भरोसा है, तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात है। मैं जानती हूँ कि आपने बड़ी मम्मी जी और बड़ी पापा जी के सामने झूठ बोला है, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। बताइए, खुशियाँ मनाने की आड़ में आप वंश भैया के कमरे में क्या कर रहे थे? वो कौन है जिसके साथ मिलकर आप वंश भैया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या करने वाले? बस बहुत सवाल हो गए। अब पहले मेरे सवाल का जवाब दे। क्या तूने बड़े पापा और बड़ी माँ को ऊपर बुलाया था? सुना नहीं तूने? मैंने पूछा तूने उन लोगों को ऊपर बुलाया था? क्या तूने उनसे मेरी शिकायत की थी? नहीं मोक्ष, शिकायत नहीं की मैंने। मैंने तो सिर्फ बड़े मामी जी और बड़े पापा जी को ये बताया कि आप वंश भैया के कमरे में हैं और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं घबरा गई थी, मुझे लगा कि कहीं आपको और वंश भैया को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैंने कितनी आवाजें लगाई लेकिन आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आप क्या कर रहे थे? तो फिर शुरू हो गई। मैंने तुझसे बोला ना, मुझे सवाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सवाल मुझे। तुझसे अपनापन क्या जता दिया? तो मीठे बोल क्या बोल लिए? तू मेरे सर पे सवार होगी, सर पे बैठेगी मेरे। तूने मेरी नरमी का गलत फायदा उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? अपनी औकात भूल गई थी? गलती मेरी ही थी। मुझे तुझे इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए थी। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी ना। सॉरी मथुरा, गलती मेरी थी, बेशक मेरी थी, लेकिन पता है क्या, इसकी सजा तू भुगतेगी। रो क्यों रही है? पूछना सवाल। दो कौड़ी की औकात नहीं मुझसे सवाल पूछेगी? पूछना बहुत सवाल। वंश, वंश बेटा, वंश आगे खोलो बेटा। वंश मेरे बच्चे, आंखें खोलो। प्रियम बता, पूछो अपने बेटे से, तुम्हारे बेटे ने मेरे वंश को क्या कर दिया? भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
मोक्ष भला कभी वंश का बुरा करेगा क्या? उसने कहा ना, वो दोनों अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे। तुम्हारे और हमारे खुशियां मनाने में बड़ा फर्क है प्रियव्रता। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि हम परिवार के दुखों पर खुशियों का स्वांग नहीं रचते, जबकि तुम और तुम्हारा परिवार हमारे दुखों पर खुशियां मनाते हो, उसे सेलिब्रेट करते हो। तुम्हारे इस अपनेपन के पीछे छिपी कड़वाहट को मैं पहचानती हूँ। तुम्हारे मन में हमारे परिवार के प्रति जो नफरत पल रही है, उसकी झलक मुझे तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देती है। मैं आपसे या आपके परिवार से नफरत नहीं करती, बल्कि भाई साहब के घमंड और उनके अहंकार से करती हूँ। मैं उनके अहंकार को बर्बाद करना चाहती हूँ, आपको या आपके परिवार को नहीं। तो आखिर तूने सच कबूल कर ही लिया है ना? तो इसमें गलत क्या है भाभी? आप अपने पतिव्रत धर्म की खातिर भाई साहब की गलतियों और गुनाहों को बर्दाश्त करती आ रही है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं आपके या आपके परिवार के खिलाफ नहीं हूँ भाभी, मुझे आपके पति के तानाशाही रवैये से नफरत है। और यही वजह है भाभी कि मैं उनके खिलाफ हूँ। जो दुख दर्द मैंने और मेरे पति ने इस घर में सहे हैं, मैं नहीं चाहती वो दुख और दर्द मेरा बेटा भी सहे। भाभी, ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि एक माँ अपने बेटे को उसका हक दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहीं वंश की यह हालत उसी हक को पाने की कोशिश का नतीजा तो नहीं है प्रेमवदा? और अगर ऐसी बात है ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आखिरी बार सुन लो प्रियंवदा, अगर मोक्ष वंश की इस हालत का जिम्मेदार हुआ, तो शांत दिखने वाली अंबिका को चंडी का रूप लेने में एक पल भी नहीं लगेगा। यश भैया, मुझे तुरंत घर जाना होगा, प्लीज यश भैया। तुम जा सकती हो वैष्णवी। दरवाजा खुला है। थैंक यू भैया। एक बात कहूं, चाहे आप कितने भी बुरे बनने की कोशिश क्यों ना करें, पर आप बन नहीं सकते, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। मेरे पास तुम्हारे इन खोखले शब्दों के लिए कोई समय नहीं है। तुम्हें जिस काम के लिए मैं यहाँ पर लाया था, वो पूरा हो चुका है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन बदल जाए। और तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, और आप इस रिश्ते की मान मर्यादा को खूब अच्छे से जानते हैं। यश भैया, आज तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपको और गौरी को यहाँ से लेकर जाऊंगी। मैं आपको आपके परिवार से जोड़ने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, और ये मेरा वादा है आपसे। चाची, प्लीज चाची, मुझे छोड़ने मत चाहिए, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। मोक्ष, मधुरा, मोक्ष, मोक्ष, मधुरा, कहाँ चले गए ये दोनों? Thank you.
मधुरा, मधुरा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मधुरा, मधुरा मेरी तरफ देखो। प्लीज चाची मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना यहाँ पे नहीं रहूंगी, प्लीज। ये ठीक कह रही है वैष्णवी, इसे भी अपने साथ ले जाओ। मैं गौरी को अपने साथ यहाँ ले तो आया, लेकिन उसे यहाँ लाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बेटी की जिंदगी में उसके बाप से ज्यादा अहमियत अजनबी और पराए लोगों की है। ऐसे में इसे यहाँ रख के क्या फायदा, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। यश भैया, अहमियत पाने के लिए अपनों को अहमियत देना बहुत जरूरी होता है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना पड़ता है, और आप गौरी की जिंदगी में शामिल हुए बिना उससे अहमियत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भैया, आप अपनी गौरी के लिए अपना अहम छोड़कर घर लौट आइए, फिर आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है वैष्णवी, ना आज और ना कल, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त गौरी को लेकर यहां से चली जाओ। वैष्णवी, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। जी चलो बेटा, चलो। रिश्तों को नाम देने से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि रिश्तों को निभाने से रिश्ते बनते हैं। और अफसोस की बात यह है वैष्णवी, कि उस घर में मेरे साथ रिश्ता निभाने वाला अब कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आ जाएगी ऑटो। भैया ऑटो, वो भी चला गया। गौरी बेटा आप यहीं रुको, मैं अभी ऑटो लेके आती हूँ, ठीक है? गौरी 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 बेटा, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई हूँ। तुम मुझे बहुत याद करती थी ना? आओ बेटा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ गौरी, मम्मा के पास आओ। मम्मा।
वैष्णवी भी नहीं। अब वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगी, क्योंकि अब वो मेरे बिछाए हुए मोहजाल में फंस चुकी है। बेटा रुक जाओ, गौरी, बेटा रुक जाओ, गौरी बेटा रुक जाओ, गौरी। आ रही हूँ मम्मा। इतनी बुरी तरह से मारा है मोक्ष ने तुम्हें, पता नहीं उसके दिल में कौन सा तूफान चल रहा है जो उसने तुम्हारी ये हालत की। और उधर वंश भी बेहोश पड़ा हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है इस घर में। मोक्ष भाई साहब, दरवाजा खोलो मोक्ष। अगर भाई साहब ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा। मोक्ष 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 है भाई साहब? मोक्ष घर पे नहीं है। नहीं है? वो मधुरा की तबीयत खराब है इसलिए वो सो रही है। आपको मोक्ष से जरूरी काम था? हाँ जरूरी ही काम था, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी थी। चाची आपको क्या हुआ? चाची आंखें खोलिए, चाची चाची। गौरी तुम ठीक तो ना? गौरी तुम कहाँ जा रही थी? गौरी चाची मैं मम्मा के पास जा रही थी। मम्मा के पास? बेटा तुम्हें क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ चाची, वो मुझे बुला रही थी। चाची मेरी मम्मा कहाँ चले गए? वो मुझसे मिलने के लिए रुकी क्यों नहीं?
हो गया। आपकी बताई हुई सब चीजें मैं ले आई। क्या बात है पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सर चाची, मैंने वहां मम्मा को देखा था, वो वही खड़ी थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। बेटा तुम चिंता मत करो, अगर वाकई में वो तुम्हारी मम्मा थी तो वो तुमसे मिलने दोबारा जरूर आएंगी। बेटा अब तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, और हाँ घर में किसी से भी इसके बारे में जिक्र मत करना, वरना खामखाए सब लोग परेशान हो जाएंगे, है ना? ओके चाची। ये लो, लो। थैंक्स चाची। थैंक्स, वो किस लिए? मुझे घर लाने के लिए। चलो अब तुम जाओ यहाँ से। बाय बाय। वंश, 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 बहुत ही अच्छी खबर है। आपको पता है मैं गौरी को अपने साथ ले आई हूँ। सच, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकती कि यश भैया ने मुझसे खुद कहा कि वैष्णवी तुम गौरी को लेकर जाओ। वंश ने शराब पी, वो भी माता रानी के इस पवित्र मंदिर में। वंश, वंश, वंश क्या हुआ आपको? वंश आंखें खोलिए, वंश प्लीज कुछ बोलिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वंश कुछ तो बोलिए, वंश। ये बिना बताए मोक्ष आखिर चला कहां गया है? दाद देनी पड़ेगी आपके सुपुत्र की प्रियमदा जी। एक तो मेरे मंदिर जैसे घर में मेरे बेटे को छल से मदिरा पान करवाया जाता है, और ऊपर से कितने बजे हैं ये, इतनी रात को आपका बेटा गायब है। क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन आप मेरे बेटे पे कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है प्रियंवदा, कि आपके बेटे ने वंश को शराब पिलाने का घिनौना अपराध किया। अगर खुशियां मनाना अपराध है तो हाँ मेरे बेटे ने अपराध किया है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि अपराध मेरे बेटे ने किया है या फिर आपके बेटे ने। ये भी तो हो सकता है भाई साहब कि वंश ने मोक्ष को पीने के लिए उकसाया। मेरे ख्याल से इस बारे में अपनी विशेष टिप्पणी देने की और जरूरत नहीं है प्रियंवदा। इस घर की नियति के अनुसार कोई भी औरत अपने फैसले खुद नहीं करेगी, जो फैसला होगा वो सर्वसम्मति से होगा। मोक्ष को आ लेने दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? बोलिए बड़े पापा। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ था मुझे। वो भाई मैं सोच रहा हूं। अरे प्लीज मना मत करना, मेरे लिए बस एक जाम की बात है।
ये ले। ओ, जी याद आया, मुझसे गलती हो गई। मुझे कल शराब नहीं पीनी चाहिए थी। एक्चुअली मोक्ष भैया ने इंसिस्ट किया तो मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। वंश, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मेरे लिए तो इतना काफी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर मम्मी और पापा जी को आपकी ये हालत देखकर कितना दुख हुआ होगा। कहिए बड़े पापा, आपको क्या बात करनी है मुझसे? बात तो मैं तुमसे बाद में करूंगा मोक्ष। मेरे बच्चे, इतनी रात को तुम कहां से आ रहे हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? देखिए बड़े पापा, पहली बात यह है कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी जब आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। क्या हुआ? मैंने भी एक मर्तबा मेरे पिताश्री को इसी किस्म से जवाब दिया था, निशान मेरे पीठ पर है। तुम्हारे साथ ये हरकत नहीं करूंगा, ये हादसा मेरे साथ हो सकता, लेकिन अंदाज अच्छा लगा आपका। ये जो आपने मेरे तुच्छ से सवाल का इतना बड़ा जवाब दिया है, आप गलत समझ रहे हैं बड़े पापा। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आपके सवाल का जवाब दिया है, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत बस भाई साहब, बहुत हो चुका। अगर अब आपने भूले से भी मोक्ष पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो ये घर टूट के ऐसे बिखरेगा कि 7 जन्मों तक आप इसे समेट नहीं पाओगे। प्रेमदा, मेरा घर कोई कांच का खिलौना या कोई कांच का टुकड़ा नहीं है कि तुम यूं धक्का दे दोगे और वो टूट जाएगा। और मोक्ष, अगर तुम जहनी तौर से विकलांग नहीं हो तो फिर एक बार बताता हूं, इस घर के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मेरे घर में शराब, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मदिरा पान कराने की? आप मेरे बेटे के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर जितना आपका है उतना ही मेरे और मेरे बेटे का है। और भाई साहब, वंश कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जिसे मोक्ष ने जबरदस्ती शराब पिला दी। क्या आपके बेटे में भले बुरे की समझ नहीं है? प्रियंवदा, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो। वंश उसका छोटा भाई है, अगर बड़ा होकर यही छोटे को गलत काम करने पर उकसाएगा तो फिर इस घर का क्या होगा? माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन आज तक इस घर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो इस घर के नियम और मर्यादा के खिलाफ है। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब अपने बेटे की बारी आई तो आप तिलमिला उठी। कमाल है भाभी, गलती करे कोई और भरे कोई। मुझे तो अब ऐसा लगता है अगर इस घर में कुछ भी गलत होगा तो इल्जाम मुझ पर और मेरे बेटे पर लगाया जाएगा, क्योंकि अपनों पे कोई इल्जाम नहीं लगाया जाता, अपनों से कोई सवाल नहीं पूछे जाते। देवमदा, ये बेसर पैर की बातें करके इस घर की बुनियाद पर आघात करने की कोशिश बंद करो। मैंने इस घर में किसी को पराया नहीं समझा। समझा है भाई साहब, इसीलिए तो आप मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं प्रियंवदा, मेरे सुपुत्र के लिए मेरी चिंता है। भाई साहब, अगर आपको अपने बेटे की चिंता है ना, तो मुझे भी मेरे बेटे की चिंता है। आप मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं, अगर मैं आपके बेटे पे इल्जाम लगाऊं तो बस। एक शब्द भी आगे नहीं कहना प्रियंवदा। अंबिका,
मैं मोक्ष के साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ। आप दोनों अपने अपने कमरे में जाइए। भाई साहब आप... एक मिनट। प्रियम बता, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अपने पति से कहना। मैं आगे इस मौजू पे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। हालत का जिम्मेदार कौन है मोक्ष? मैं बताता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है। मेरा वार खाली चला गया, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। शादी से पहले ही वंश की किस्मत खराब है। परसों वंश की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मोक्ष तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, यहां पर सब तैयारियां हो चुकी हैं। तुमने इस पर हाथ उठाया?